आपके लिए आज लाई हूँ एक नई रेसिपी जिसका नाम है चिकन तंदूरी। ये रेसिपी को मैंने बनाया है माइक्रोवेव पे। ये रेसिपी को देखने के लिए मेरी वीडियो पे आप आखिर तक बने रहिए और देखिए ये रेसिपी मैंने कैसे बनाया है। रेसिपी की फर्स्ट मैरिनेशन में पहले मैंने ये चार चिकन का लेग पीस ले लिया है, उसको मैरिनेट करूँगी आधा नींबू का रस, थोड़ा सा नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट से। चिकन की लेग पीस को मैंने छुरी से तीन चार कट कर लिया है ताकि मसाला अच्छी तरह अंदर तक पहुंच जाए। अब मैं मसाला को लेग पीस के ऊपर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लूंगी। अब मैं सेकेंड मैरिनेशन करूंगी। उसके लिए चाहिए दो बड़े चम्मच खट्टा दही, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट, एक चम्मच शाही गरम मसाला पाउडर, दो बड़े चम्मच सरसों का तेल। और तीन चार चम्मच थोड़ी सी तेल में भुना हुआ बेसन एक साथ मिलाकर एक पेस्ट बना लूंगी। उसके अंदर पहले से मैरिनेट किया हुआ चिकन को मैं इस पेस्ट के अंदर डाल लूंगी और अच्छे से चिकन के ऊपर कोट कर लूंगी। सेकेंड मैरिनेशन के बाद मैं चिकन को एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अभी चिकन को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है।
और मैं माइक्रोवेन के ग्रिल रैक के ऊपर एक एक करके अच्छी तरह से सभी लेग पीसेस को सजा लूंगी। इसके बाद मैं ग्रिल रैक को मेरी आईएफबी की माइक्रोवेवन के अंदर डाल दूंगी। और इसको मैं माइक्रो ग्रिल कॉम्बिनेशन 2 में 10 मिनट के लिए पका लूंगी। दस मिनट के बाद इसको बाहर निकल के लेग पीसेस को दूसरी तरफ पलट दूंगी और थोड़ी सी बटर लेग पीसेस के ऊपर ब्रश कर दूंगी और 20 मिनट के लिए माइक्रोवेव के ग्रिल मोड पे पका लूंगी। ट्वेंटी मिनट्स के बाद मैं फिर से लेग पीसेस को बाहर निकल के दूसरी तरफ पलट के थोड़ी सी बटर्स ब्रश कर लिया है। और फिर से 10 मिनट के लिए ग्रिल मोड पे इसको मैंने पका लिया है। फाइनली मेरा तंदूरी चिकन तैयार हो चुका है। देखिए कैसे दुकान की तरह टेक्सचर आया है इसके ऊपर और चिकन भी अंदर से अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अभी मैं इसको एक बोल में सर्व कर लूंगी। और ऊपर से थोड़ी सी चाट मसाला स्प्रिंकल करके नींबू के साथ मैं सर्व करूंगी।
तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर इस रेसिपी को आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़ नोटिफिकेशंस। थैंक यू।